एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल अप इंडिया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आसानी से आप घर पे ही जस्ट इन 3 सिंपल स्टेप्स में आईब्रोज को कैसे ग्रूम कर सकते हैं। सो बहुत ही आसान होता है, आप खुद से कर सकते हैं, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बार बार घर पर ही आप इसे आसानी से कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी, इसे करने में आपको 5 मिनट से भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। सो सबसे पहले आप देख लें कि आपके आईब्रोज का शेप कैसा है। अगर आप पार्लर जाते रहते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा इजीली कि आपकी आईब्रोज का शेप कौन सा है। फिर मैं इस पुली की हेल्प से अपने आईब्रोज को सेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ली है वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल की स्पूली, सो उसे ही मैं एज अ स्पूली एंड आईब्रोज को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी। फिर जो हमारे आईब्रोज के एक्स्ट्रा बाल हैं उसे इस ट्वीज़र की हेल्प से हम ट्वीज कर लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा बाल हैं एक एक करके मैं उन्हें प्लक कर रही हूँ। बहुत ही आसान होता है प्लक करना। अगर आप बिगनर हैं तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार करेंगे तो फिर आपका जो पेन है धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर शायद बाद में आपको पेन बिल्कुल भी ना हो। सो आईब्रोज के जो भी मेरे ऊपर और नीचे साइड में एक्स्ट्रा बाल थे उनको मैंने ट्विस्ट कर लिया है एंड देन अगेन स्पूली की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को सेट कर रही हूँ। और जो भी आगे के बाल थोड़े से बड़े होते हैं उनको मैं इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में रख रही हूँ और फिर इस छोटी सी सीजर की हेल्प से मैं उन्हें कट कर लूँगी। सो आप ज़्यादा बड़ी सीजर ना लें क्योंकि उसमें पता नहीं चलता है कि आपके हेयर कहाँ हैं। तो अगर आप इस तरह की छोटी सीजर लेंगे तो एग्जैक्टली आप स्ट्रेट लाइन में इन्हें कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आपको डर लगता है कट करने में, तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। और नीचे के बालों को अगेन मैं नीचे की तरफ ले जा रही हूँ इस पुली की हेल्प से, क्योंकि ये थोड़े से बड़े हैं सो इन्हें कट करना ज़रूरी है। सो अगेन मैं इन्हें भी सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी। सो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान होता है, अगर आप 1-2 बार कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। सो मैंने आईब्रोज अपनी कर ली है, लेकिन जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको निकालना ज़रूरी है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है टिंकल का ये रेजर और इसे मैं अपने जो भी एक्स्ट्रा बाल हैं उनको क्लीन कर लूँगी। सो ऊपर से ले जाएं और नीचे की तरफ जहाँ तक आपकी आईब्रो लाइन स्टार्ट होती है वहाँ तक इसे ले जाना है। और इससे आपकी जो आईब्रोज है बिल्कुल कट नहीं होती है, ये इतना ज़्यादा शार्प नहीं है। सो अगर आप बिगनर हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज़ करना नहीं चाहते हैं, आपको डर लगता है, तो इस स्टेप को अगेन आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे बाल होते हैं, जो रुआ होता है हमारे आईब्रोज के पास में, तो उन्हें निकाल लेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है ना हमारी आईब्रोज और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपने थ्रेडिंग करवाई है या इस तरह से उन्हें ग्रूम किया है। सो
सो गाइस, इजीली आप देख सकते हैं कि जो मैंने आईब्रो ग्रूम नहीं की है वो कैसी दिख रही है, और जो मैंने अभी अभी आईब्रो को ग्रूम किया है वो कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिख रही है। सो दोनों का डिफरेंस इजीली आप देख सकते हैं। एंड जो मेरी दूसरी आईब्रो मैंने ग्रूम नहीं की थी उनको मैंने कर लिया है, एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि मैंने थ्रेडिंग करवाई है या घर पर ही इन्हें आसानी से ग्रूम कर लिया है। सो बहुत आसान होता है इन्हें घर पर ही जस्ट इन 3 सिंपल स्टेप में ग्रूम करना। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।